आज के इस चैप्टर में हम गिट का स्टेटस कमांड पढ़ने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और गिट बैश हियर ओपन कर लूँगा। अच्छा, मैं गिट का स्टेटस कमांड बताऊँ उससे पहले मैं आपको ये कह दूँ, जैसे आप आओ यहाँ पे और ये रिकॉर्डिंग ना आप देख लो, क्योंकि इस पर मैंने काफ़ी चीज़ बताया है अपलोड वगैरह करना। तो इसको आप नहीं देख रहे होगे तो मेरी अभी वाली बातें समझ में नहीं आएगी आपको, तो इसको आप देख लें। और फिर ये मेरा खुला हुआ है इंडेक्स फाइल। मैं आता हूँ अपने रिपोजिटरी पे, मास्टर पे आया, अब यहाँ पे इंडेक्स खुला है। तो इस पर मैं आता हूँ। ये देखो, सबसे पहले तो मैं आपको एक बार अपलोड करना बता देता हूँ जो पिछले वीडियो में बताया था। देखिए, मैं इस फाइल को डिलीट मारता हूँ, क्योंकि पहले ऐसा था, आपने देखा अभी मेरे गिट के प्रोफाइल पे, गिटहब के प्रोफाइल पे। अब मैंने सेव कर दिया इसको, अब मैं इसको अपलोड करता हूँ। तो अपलोड करने के लिए पहले गिट ऐड कमांड चलाना पड़ेगा, मतलब सेलेक्ट करना पड़ेगा पहले, तभी तो अपलोड होगा ना। तो पहले मैं गिट ऐड स्पेस डॉट सारा फाइल ऐड कर दूँ जो भी है, फिर गिट कमांड चलाऊंगा, फिर कमिट हाइफन एम, फिर मैं करूँगा न्यू चेंज, एंटर मारा, फिर गिट पुश ओरिजिन ओरिजिन मास्टर। जैसे मैंने ये सब करा, अपलोड हो गया मेरा। ये एक कमांड ये ऐड वाला से ऐड हो गया, इस कमांड से कमिट हुआ, इस कमांड से अपलोड हो गया। तो मैं आता हूँ ब्राउजर पे और इस पर क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, हमारा अपलोड हो चुका है यहाँ पे। अब हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो स्टेटस कमांड है। ये हमें मेरे ऐसे ही बता दिया मैं रिवाइज करने के लिए पिछला चैप्टर, लेकिन मेरा आज का मकसद था कि मैं गिट का अपडेट कमांड सॉरी स्टेटस कमांड बताऊँ। तो स्टेटस से मतलब आप समझ सकते हो कि स्टेटस का मतलब स्थिति, आपकी स्थिति क्या है, देखें क्या स्टेटस है तुम्हारी। तो स्टेटस मतलब स्थिति क्या है अभी, तो आप जानते हैं कि ये गिट का स्थिति क्या है अभी। अभी हमें स्थिति जाननी है इसकी, तो स्टेटस कमांड चलाएंगे। तो ये स्टेटस एंटर मारा, ये बोल रहा है ऑन ब्रांच मास्टर, योर ब्रांच इज अप टू डेट विथ मास्टर ओरिजिन मास्टर। फिर कहता है नथिंग टू कमिट वर्किंग ट्री क्लीन। ये लाइन अगर लास्ट में आपको लिखे तो आप समझ जाइए कि सारा काम हमने कमिट कर दिया है, जितना भी अपने प्रोजेक्ट में हमने बदलाव किया था वो सारा हमने अपलोड कर दिया है, कमिट कर दिया है, अपलोड कर दिया। तो कमिटेड है सारा फाइल, हम सुरक्षित हैं, इसका मतलब ये है। अब मैं इसमें थोड़ा सा बदलाव कर देता हूँ ये ऐसा, ठीक। अब फिर मैं गिट स्टेटस कमांड चलाऊंगा, गिट स्टेटस। तो ये कह रहा है कि देखिए मॉडिफाइड इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, मतलब आपने इसको मॉडिफाई कर दिया है। अब रिस्टोर के लिए भी ये कह रहा है, तो ये मैं अगले चैप्टर में आपको बताऊंगा कि डिलीट किया हुआ फाइल कैसे आएगा, हम रिस्टोर कैसे करेंगे, ये सब मैं बताऊंगा अगले चैप्टर में, अभी स्टेटस मेरे को बताने के लिए। तो आप देखो, ये कह रहा है कि जी ये मॉडिफाई आपने कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा, आता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाता हूँ और लिख देता हूँ ए बी ओ टी अबाउट डॉट टी एक्स टी, टेक्स्ट ही रहने देता हूँ। अब फिर मैं करता हूँ गिट स्टेटस कमांड। तो अब यहाँ पे देखो, पहले मैं क्लीन करता हूँ इसको, फिर दिखाता हूँ स्टेटस। अब देखो यहाँ पे दो तरह से मैसेज आ रहा है। पहला तो मैसेज आ रहा है कि इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ये फाइल, यहाँ पे देखो चेंजेस नॉट स्टेज फॉर कमिट। तो देखो, आपने इस फाइल में बदलाव किया है लेकिन आपने स्टेज नहीं किया है कमिट करने के लिए। ये ज्यादा टेक्निकल शायद हो गया, हिंद थोड़ा नॉर्मल बताऊं तो गिट ये कह रहा है कि ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में आपने कुछ बदलाव किया है, मॉडिफिकेशन किया है, लेकिन इसको आपने सेलेक्ट नहीं किया है। तो आप चाहें तो गिट ऐड से कमांड से सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको कमिट कर सकते हैं, तब हम सेव कर लेंगे अपने पास, राइट। और दूसरा कहता है अनट्रैक्ड फाइल, मतलब एक फाइल आपने और बनाया है अबाउट डॉट टी एक्स टी नाम से, लेकिन हम इसको ट्रैक नहीं कर रहे। ये फाइल बनाए हम देख तो रहे हैं लेकिन हमें इससे कोई लेना देना नहीं, आप बनाए हैं, आप समझिए, समझ रहे हो बेटा।
तो इसको ट्रैक नहीं कर रहा है गिट, बल्कि इसको तो कर ही लिया हमने, इसको ऐड किया है तो कर लिया, इसको मॉडिफाइड बता रहे, इसको जो है अनट्रैक्ड बता रहा है। अब हमें क्या करना है, आप समझ लो कि रेड में जो जो चीजें दिखाए तो आप समझ लो कि हमें इनको ऐड करना है। तो मैं गिट कमांड मारूंगा और ऐड करूंगा और लगा दूंगा। अब फिर मैं स्टेटस चलाता हूँ, गिट स्टेटस एंटर किया तो कह रहा है ये दोनों देखो आप, ये ग्रीन में आ गया। ग्रीन में नाम लिखा जाए तो आप समझ जाना कि ये फाइल जो है ये सिलेक्टेड फाइल है हमारा, गिट ऐड कमांड से हमने सिलेक्ट कर लिया इन फाइलों को, अब हमें सिर्फ कमिट करना बाकी है। तो इसको बोला जाता है स्टेजिंग एरिया, मैं बताऊंगा स्टेजिंग एरिया और कमिट कर दिया तो कौन सा एरिया है, वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, मैं बताऊंगा। बस आप अभी समझ लो कि जो है एक कमिट करने के लिए रेडी है, मतलब कमिट करने के लिए हमें ये दोनों फाइल हमने सेलेक्ट कर लिया है, ये न्यू फाइल है और ये मॉडिफाइड है। अब कमिट कर रहे हैं तो आप देखो गिट कमिट माइनस एम और यहाँ पे लिख देते हैं क्या, कुछ भी लिख देता हूँ अभी मैं, या फिर लिख देता हूँ सी आर क्रिएट न्यू ए बी ओ यू टी अबाउट फाइल, एंटर मारा। अब देखो अब कमिट हो गया है, अब कमिट तो हो गया लेकिन क्या यहाँ पे भी आ गया होगा, यहाँ पे नहीं आया होगा, आप जानते हैं जब तक हम पुश नहीं करते तो यहाँ आएगा भी नहीं, आप देख लो नहीं आया है यहाँ पे। अब मैं इसको पुश करूंगा, पहले स्टेटस लेकिन चला देता हूँ, गिट स्टेटस चलाया तो कह रहा है योर ब्रांच हेड ओरिजिनल वन कमिटेड, एक ठो कमिट कर दिया गया है, समझ लो आप। फिर ये अगला लाइन कह रहा है यूज गिट पुश टू पब्लिश योर लोकल कमिट, मतलब अपना लोकल कमिट को पब्लिश करो, समझ रहे हो आप, सीधा सीधा लिख रहे हैं गिट पुश टू पब्लिश योर लोकल कमिट। अभी जो कमिट किया गया है वो लोकल हमारे कंप्यूटर में, आपको मैंने पहला दिन गिट इग्नोर करके कुछ बताया था याद होगा यदि आपको, तो हम उसको भी देखेंगे। तो उसमें सारा गिट इग्नोर लोकल कंप्यूटर में हमने सारा कमिटेड है, लेकिन लोकल कंप्यूटर का फाइल जो कमिट किया, जो प्रॉमिस किया है कि हम अपलोड करेंगे, उसको आपने अपलोड नहीं किया है, तो गिट पुश कमांड से उसको पब्लिश कर दो आप इंटरनेट पे। और फिर आखिरी में लिख रहा है नथिंग टू कमिट वर्किंग ट्री क्लीन, मतलब सारा चीजें आपने कमिट कर दिया है, कमिट करने के लिए कुछ नहीं बचा है, ना कोई फाइल एडिटिंग है ना कुछ भी है, सारा आपका काम पूरा क्लियर है, अब सिर्फ अपलोड करना बाकी है इंटरनेट पे। तो इंटरनेट पे अपलोड करना है तो कैसे, गिट पुश ओरिजिन मास्टर, जैसे एंटर मारा ओरिजिन मास्टर, अब देखो अपलोड हो गया है। अब मैं रिफ्रेश करता हूं यहां पे, जैसे ही रिफ्रेश करूंगा यहां पे आप आ जाएगा देखना, देखो आ गया टेक्स्ट फाइल अबाउट फाइल, समझ में आ रहा है आपको। अब मैं स्टेटस कमांड चलाऊंगा गिट स्टेटस क्लियर पहले मैं करूं फिर चलाऊंगा स्टेटस कमांड चलाया तो देखो अब क्या कह रहा है, ऑन ब्रांच मास्टर योर ब्रांच इज अप टू डेटेड, मतलब ब्रांच अप टू डेटेड है, कुछ भी कमिट करके रखा नहीं गया है, कुछ भी एड सेलेक्ट नहीं किया है, सारा कमिट करके सारा इंटरनेट पे अपलोड कर दिया गया है, अब सारा आपका रिपोजिटरी अप टू डेट है और कुछ कमिट नहीं है, सब कुछ अपडेट है, कोई दिक्कत नहीं, चिंता मुक्त होकर आराम से आप सो सकते हो, इसका कहने का मतलब ये है। तो ये गिट स्टेटस कमांड का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। तो एक चीजें मैं आपको और बता दूं, जैसे आप मान लो कि मैं बंद कर देता हूँ इसको, राइट, मैं यहाँ पे एक नया फाइल बना फोल्डर बनाता हूँ गूगल के नाम से, गूगल बना, इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन करूंगा, यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, आऊंगा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे और यहाँ पे लिख देता हूँ इंडेक्स, क्या लिख दिया index.html, ये हो गया, एंटर मारा। अब इस पे मैं राइट क्लिक करके सीधा गिट बैश ओपन करता हूँ, अब यहाँ पे गिट स्टेटस कमांड चलाता हूँ गिट स्टेटस, जैसे ही एंटर मारा तो कह रहा है टिटल Not a git repository any parent directory,
कहने का मतलब ये है कि एक गिट रिपोजिटरी नहीं है, मतलब यहाँ पे गिट को स्टार्ट नहीं किया गया है, मतलब इस डायरेक्टरी का कोई संबंध नहीं है गिट से। तो मैंने पहला वीडियो में आपको बताया था कि गिट रिपोजिटरी बनाने के लिए, मतलब कि गिट को स्टार्ट करने के लिए, ताकि गिट इस डायरेक्टरी को मॉनिटर करे, उसके लिए गिट इनिट कमांड चलाया जाता है। आई इनिट कमांड, जैसे ही मैं मारूंगा एंटर, ये देखो ये गिट जो है एक गिट डायरेक्टरी बन गया, मतलब गिट रिपोजिटरी बन गया। अब गिट स्टेटस चलाऊंगा ना, आप देखना, तो कह रहा है अन ब्रांच मास्टर नॉट कमिटेड, अनट्रैक्ड फाइल इंडेक्स डॉट एचटीटीपी। आप चाहें तो गिट एड कमांड डालें और इसको कमिट के लिए आप सिलेक्ट कर लें, कह रहा है। फिर कह रहा है नथिंग टू एड, सॉरी नथिंग एड टू कमिट बट अनट्रैक्ड फाइल प्रेजेंट। आप चाहें तो गिट एड कमांड को चला करके ट्रैक कर सकते हैं फाइल को। तो गिट एड में जैसे ही चलाऊंगा तो ये ग्रीन हो जाएगा, आप जान रहे हो, ये दोबारा भाषण देने की जरूरत नहीं है। तो गिट स्टेटस कमांड आपको हर समय चला के देखते रहना है कि आपकी गिट की स्टेटस क्या है, कितना फाइल कमिटेड है, कितना है, जो है कमिट करने के लिए लिस्ट बना लिया है, मतलब ग्रीन कलर में कितना दिख रहा है और कितना अपलोड हो गया, मतलब स्टेटस कमांड आप चलाएंगे, गिट की स्टेटस आपको दिखाई देगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में।